संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु, बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई। अवश्य फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाते, वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखा दे। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, मतदांध बना दे। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। धर्मराज केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। महारथी, सूर्य पुत्र कर्ण। सदैव अपने ज्येष्ठ के परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज। सम्राट पद पर स्थापना के पश्चात मैं पहली घोषणा करता हूं, हस्तिनापुर में अब जन्मधारित व्यवस्था का अंत किया जाता है।
वर्ण व्यवस्था रहेगी परंतु वो कर्म के आधार पर आधारित होगी। सूत हो या शूद्र हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर काम, सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यही धर्म स्थापना की नींव है और यही परिवर्तन का प्रारंभ। सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के इस महायुद्ध में 18 अक्षवणी सेना और बहुत से महारथियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरों के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर ये आदेश देता हूं, युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनके बालकों को शिक्षा, उनके आश्रितों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था अब सम्राट का उत्तरदायित्व है। सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! और भ्राता कर्ण, मुझे विश्वास मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से जानना चाहूंगा। राधे कर्ण के द्वारा सुझाए गए प्रतिरूप के आधार पर राज्य में समानता की एक नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने ज्येष्ठ कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए एक धर्म राज्य का निर्माण किया। अर्जुन का लक्ष्य अब केवल एक महान व्यवस्था की स्थापना थी। 100 कौरवों का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्माण की भागदौड़ संभाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती, गांधारी और बुजुर्ग हो चले धृतराष्ट्र की सेवा में लगे थे। हर ओर धर्म था, संपन्नता थी, आनंद था, परंतु अतीत से छूटा एक बाण परीक्षा बनकर भारत के भविष्य पर मंडरा रहा था। आप सबसे ज्येष्ठ हैं भ्राता श्री, इस स्थान पर आपका अधिकार है, परंतु फिर भी आप ये स्थान रिक्त क्यों रखते हैं? नहीं नकुल, ये स्थान मेरा नहीं है। भ्राता कर्ण हम सबसे ज्येष्ठ हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है। साम्राज्ञी, क्या हुआ दासी, इतनी व्यग्र क्यों हो? युवरानी उत्तरा को प्रसाविड़ा होना आरंभ हो चुका है।
ज्येष्ठ, माता कहाँ है? माते, माता, माता वो उतरा। हम भीतर जाकर देखते हैं। साहस रखो, अब और पीड़ा सहन नहीं होती माता। साहस रखो पुत्र, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माता, प्रसव पीड़ा तो सबको होती है, परंतु उत्तरा के लक्षण गंभीर है। माता, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अनर्थ हो गया, अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को? उत्तरा, क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? ब्राह्मण होने के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में वो इतना अंधा हो गया। एक शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाने से पूर्व से तनिक भी दया नहीं आई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम शिशु नहीं बचा सके। ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब मेरे कर्मों का फल है। हे नारायण, उस बालक की सहायता करिए, इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। हे नारायण, सहायता करिए। माता, माता, कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, वंश के अंतिम बीज की रक्षा कीजिए, अन्यथा हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र विफल नहीं जा सकता याज्ञ सेनी, ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है तो उसका परिणाम निकलना भी निश्चित है। क्या यही धर्म स्थापना है माधव? इस अजन्य शिशु का क्या दोष जो इससे भी अधर्म का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा? एक पापी के पाप का फल मेरी उत्तरा क्यों भुगतेगी? माधव, वो तो इस युद्ध में सम्मिलित भी नहीं थी, परंतु इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपने पिता, अपना भाई, अपना पति और अब अपना पुत्र। ये कैसी धर्म स्थापना है माधव?
धर्मस्य ग्लानिर्। यदि मैंने अपने माता पिता का आजीवन सम्मान किया, यदि मैंने अपने गुरु की गुरु दक्षिणा संपूर्ण मन से दी, यदि मेरे जीवन का हर कार्य का उद्देश्य शुभ रहा है, यदि मैंने धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण प्रयास किया है, तो ये बालक अभी और इसी क्षण श्वास ले। अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है ये बालक। ब्रह्मास्त्र की कठिन परीक्षा में खरा उतरा है ये बालक, जो धर्म स्थापना का मुख बनेगा। परीक्षित याज्ञसेनी, इस बालक का नाम परीक्षित होगा। शिशाली, 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 पुत्री शिशाली। बधाई हो सम्राट, देवी वृषाली माता बनने वाली हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, आज एक दिन में दो दो शुभ समाचार मिले। अब परिवर्तन के दो दो सूर्य चमकेंगे हस्तिनापुर। परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ है वृषाली, प्रसन्न हो जा कि सूर्य पुत्र को तर्पण देने वाला इस संसार में आने वाला है। अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं माधव, इतनी शीघ्रता की क्या बात है, परीक्षित के छठवीं संस्कार तक रुक जाइए। द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ। क्या हुआ माधव, सब ठीक तो है ना? नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है पार्थ, और परिवर्तन और नाश दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किसी के अंत का प्रारंभ होना भी शेष है।